तो दोस्तों बहुत दिन से चिकन भी नहीं खाए हैं, कुछ दिन तो हो गया होगा। मछली सब खाए हैं, तो ये देखिए इसको आज मिक्स करके बनाएंगे, देखते हैं कैसे लगता है टेस्टी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों दो चार दिन से हम लोग चिकन नहीं खाए थे, तो आज ये क्या बोलते हैं सेम के साथ मिक्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएगी करीना। और दो तीन दिन से मछली खाए हैं, तो चलिए आज देखते हैं कैसा बनाती है और कैसा टेस्टी लगता है ये। नमस्कार दोस्तों, इधर क्या बोलते हैं सेम, हम लोग सेम भी बोलते हैं दोस्तों। और इसके साथ में चिकन है, तो दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। तो दोस्तों आज बड़ा ही बड़ा रखेंगे, देखते हैं कैसे लगेगा। तो दोस्तों बाबू का हम लोग का बुखार आया, सो रहा है, दवाई तो ले दिए हैं, तो अभी बिस्कुट खा रहा है बेटा। तो दोस्तों चिकन और इधर आलू ये सबको धो के रेडी कर लिया है करीना जी हम लोग का। और इधर प्याज भी काट रही है। तो दोस्तों हम लोग का भुंजा चुका था, बस तो दोस्तों बन के रेडी है हम लोग का। तो दोस्तों चिकन और ये देखिए हम लोग सेम भी बोलते हैं, और इधर चिकन आलू, इधर एक्स्ट्रा करी तो होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो दोस्तों बाबू और ममता तो आजकल इतना वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि सर्दी जुकाम और थोड़ा थोड़ा बुखार भी है। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसा कुछ है, खाना वाना भी नहीं खा रहा, बस दूध वगैरह ऐसे सब कुछ खा पी रहे हैं, तो टेस्टी तो है दोस्तों। तो चलिए करना चाहिए आज का वीडियो को स्टार्ट करें।
तो दोस्तों आज का भी खाना बहुत टेस्टी लगा, बहुत अच्छा और लंबा लंबा था, और खाने में और भी बढ़िया लगा, और इतना मिर्चा ना कुछ नहीं था, नॉर्मल सब कुछ था। तो दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, पहली बार हम लोग का चैनल में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।